हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश कुमार, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत मापन के स्तरों तथा मापन की प्रमुख समस्याओं के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि नई नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो शुरू कर रहे दोस्तों। स्टीवेंस ने मापन के प्रमुख चार प्रकार बताए हैं। इनके अनुसार पहला है अनुपात स्केल। व्यवहार परक विज्ञानों में सबसे अधिक गहन तथा उत्तम मापन अनुपात स्केल है। इस मापन में सांकेतिक स्केल, क्रमिक स्केल तथा अंतराल स्केल के गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा इस मापन में निरपेक्ष शून्य बिंदु भी उपलब्ध होता है, लेकिन कई कारणों से इस मापन का व्यवहार भौतिकी आदि प्राकृतिक विज्ञानों में अधिक होता है। दूसरा है अंतराल स्केल। इस तरह के मापन के स्केल के विभिन्न बिंदुओं का अंतर आपस में बराबर होता है। क्रमिक स्केल में केवल कोटिक्रम महत्वपूर्ण माना गया है, जबकि अंतराल स्केल में कोटिक्रम के साथ साथ गणितीय अंतर भी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अंतराल स्केल को अधिक वैज्ञानिक मापन माना गया है। तीसरा है क्रमिक स्केल। इस तरह के मापन में व्यक्तियों या वस्तुओं को कोटिक्रम में प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार छात्रों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर कोटिक्रम में सजाया जा सकता है, जैसे ए बी सी डी ई। छात्रों के अंक अंग्रेजी में क्रमशः 60, 88, 75, 80, 65 है, अतः इन्हें 5, 1, 3, 4, 2 कोटियों में प्रयुक्त किया जा सकता है। चौथा आता है सांकेतिक स्केल। मापन का यह सरलतम स्तर है। यह मापन का सबसे सरल प्रकार भी माना गया है। इसमें संख्या या प्रतीक के रूप में गुण, व्यक्ति या वस्तु का मात्रात्मक वर्गीकरण किया जाता है। एक खिलाड़ियों की टीम में खिलाड़ियों की वर्दी पर जो संख्याएं अंकित होती है, वे एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी को प्रतीक का काम करती है। लेकिन सरल होते हुए भी इस मापन से किसी व्यक्ति या वस्तु में गुण के संबंध में कोई यथार्थ जानकारी नहीं मिलती। अतः हम स्पष्ट कह सकते हैं कि मापन के चार प्रकार होते हैं। इसमें सांकेतिक स्केल, क्रमिक स्केल तथा अंतराल स्केल का व्यवहार मनोविज्ञान या व्यवहार परक विज्ञान में अधिक किया जाता है, जबकि भौतिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान में अनुपात स्केल का व्यवहार अधिक किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों समाजशास्त्र में मापन की प्रमुख समस्याओं के बारे में। तो मापन की समस्याओं में पहली समस्या आती है नियंत्रण की समस्या। यानी कि इसके अनुसार वैज्ञानिक मापन के लिए आवश्यक होता है कि जिस चीज़ का मापन किया जा रहा है वह नियंत्रित हो, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समाज कभी स्थिर नहीं रहता, अर्थात गतिशीलता सदैव समाज में बनी रहती है, अतः उस पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं होता। इसलिए उसके गुणों या योग्यताओं का वैज्ञानिक मापन नहीं हो पाता। दूसरी समस्या है मापन में वस्तुनिष्ठता की समस्या। वैज्ञानिक मापन में वस्तुनिष्ठता का गुण होना अति आवश्यक होता है। सामाजिक शोध में पूर्ण वस्तुनिष्ठता नहीं पाई जाती, क्योंकि सामाजिक शोध के निर्माण पर व्यक्तिगत पक्षपातों का प्रभाव पड़ सकता है। सामाजिक शोध व्यक्ति की पूर्ण अवधारणाओं, विश्वासों या अनुकूलित प्रतिक्रियाओं से प्रभावित हो सकता है। इस कारण से मापन की वस्तुनिष्ठता घट सकती है। तीसरी समस्या आती है मापन में यथार्थता की समस्या। सामाजिक शोध मापन में यथार्थता की कठिनाइयाँ पाई जाती है। वैज्ञानिक मापन बिल्कुल यथार्थ होते हैं, सामाजिक शोध में यह गुण काफ़ी सीमित होता है। इसके कुछ कारण भी है, जैसे सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता की मात्रा कम होने के कारण मापन पूरी तरह यथार्थ नहीं हो पाता। सामाजिक शोध में मापन विषय का स्वरूप ही कुछ ऐसा होता है कि उसका मापन बिल्कुल यथार्थ रूप में संभव नहीं होता। प्रतिदर्श अशुद्धियों की समस्या। इसके अंतर्गत सामाजिक शोध के साथ
एक कठिनाई यह भी है कि यदि परीक्षण का निर्माण प्रतिदर्श के आधार पर किया जाता है तो प्रतिदर्श जब अपनी जनसंख्या का प्रतिनिधि नहीं हो पाता है तो उस पर आधारित परीक्षण अविश्वसनीय बन जाता है। ऐसे परीक्षण के द्वारा जो मापन किया जाता है वह विश्वसनीय नहीं होता। अगली समस्या आती है पूर्व कथन की समस्या। सामाजिक शोध मापन में पूर्व कथन से संबंधित कठिनाइयाँ पाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक शोध के आधार पर जो परिणाम होते हैं उनके आलोक में किसी तरह की भविष्यवाणी करना उचित नहीं हो पाता, जितना कि प्राकृतिक विज्ञानों के मापन के आधार पर भविष्यवाणी करना सही होता है। अगली समस्या आती है निरपेक्ष मापन की समस्या। सामाजिक शोध में मापन के पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नहीं होने का कारण यह भी है कि यह निरपेक्ष मापन नहीं होता है बल्कि सापेक्ष मापन होता है। इसलिए सापेक्ष मापन से प्राप्त परिणाम उतना सही नहीं होता जितना कि निरपेक्ष मापन में प्राप्त निष्कर्ष होते हैं। अगली समस्या है यथार्थ संचार की समस्या। सामाजिक शोध मापन में एक कठिनाई या समस्या संचार से संबंधित होती है। इसका अर्थ यह है कि किसी शोध में किसी कथन को जिस अर्थ के साथ रखते हैं ठीक उसी अर्थ में परीक्षार्थी उस एकांश या कथन को नहीं समझ सकता। ऐसी स्थिति में उसकी प्रतिक्रिया या उत्तर संदिग्ध बन जाता है और मापन विश्वसनीय नहीं हो पाता। संचार की भाषा जटिल होने, व्यवहार किए गए शब्दों के अस्पष्ट होने पर संचार की यथार्थता और भी घट जाती है। अगली समस्या आती है विश्वसनीयता की समस्या। तो सामाजिक शोध के साथ एक कठिनाई यह भी मानी गई है कि इसमें विश्वसनीयता सीमित होती है। अगली है वैधता की समस्या। सामाजिक शोध मापन की समस्या इसकी सीमित वैधता है। इसमें संरचना वैधता, अंतर विषय वैधता तथा भविष्यवाणी वैधता की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सामाजिक शोध मापन पूरी तरह वैज्ञानिक नहीं होता, लेकिन इसकी कठिनाई है समस्याओं का निरूपण करके इसे अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।